जलाराम नगरना लोकोए रस्ताना मुद्दे कलेक्टर कचेरी आवेदन पत्र आपी रजूआत करी हती। जलाराम नगर विभाग एकना रहीशो तेमज सामाजिक कार्यकर कमलेश परमार द्वारा कलेक्टर कचेरीए रस्ता मुद्दे आवेदन पत्र आपी रस्तो खुल्लो करवानी मांग करी हती। आक्षेप साथे जणाव्युं हतुं के जलाराम नगर विभाग एक VIP रोड वुरा सर्कल खाते वर्षो जूनो गाड़ो चाली रोड में हाल में सानेन स्कूल तेमज नीलकंठ पार्टी प्लॉटना मालिकों द्वारा जलाराम नगरना रहीशोनो रस्तो सदंतर रीते हाल में बंद करी देवामां आव्यो छे। अगाउ आ रस्तो राहदारीओ उपयोग करी शके छे तेवुं मालिकों द्वारा कहेवायुं हतुं, परंतु फरीथी रस्तो बंद करी देवामां आव्यो छे। मालिकों लागवक धरावे छे अने गमे ते आवे रस्तो नहीं खुले तेम रहीशोने कहे छे। मालिकों द्वारा सरकारी स्ट्रीट लाइटना थांभला तेमज पीवाना पाणीनी नळीकाओ पोताना जमीनमां कोट बनावीने दबावामां आवी छे। एम्बुलेंस के फायर ब्रिगेड अंदर आवी शके तेवी स्थिति नथी, जेथी आ जमीन संपूर्ण मापणी नक्शा प्रमाणे तेमज गुजरात सरकारना नियमों प्रमाणे तपास करवामां आवे। गैरकायदेसर दबाण करायुं होय तो मालिकों सामे कार्यवाही थाय तेवी रजूआत करी हती। न्याय नहीं मळे तो आंदोलननी पण चीमकी उच्चारवामां आवी हती। आज कलेक्टर ऑफिस हम लोग आवेदन पत्र देने आए, जो हमारा जलाराम नगर विस्तार है उधर जो मतलब जो हमारा वर्षों पुराना जो रोड था नेड़िया चाली जो बोलते रोड था, आज वो रोड ये जो दोनों मालिक है पटेल लोबी है, वो पटेल दोनों ने साथ में मिलके जो हम लोग ने 8 साल पहले पर एक लड़त चलाई थी, उस समय पे हमने हमारे को बोला था कि भाई ये जो रोड है आपके लिए जो आजीवन खुला रहेगा, लेकिन आज कोई कारणों सर उन्होंने हमारा रोड पे जो कहवा रोड पे जो खोदान करके हमारा मतलब हमारा आने जाने का रास्ता बंद कर दिया है। तो आज हम लोग कलेक्टर श्री को आवेदन पत्र देके हम लोग रजूआत करने आए कि भाई तात्कालिक धोरण हमारा जो रास्ता है वो रास्ता खुला करे। और जैसे मतलब आज सबर का महिला है वो भी आज ऐसी कपड़े हालत है कि हम लोग आने जाने में भी बहुत दिक्कत पड़ रही है। तो हम कलेक्टर श्री को आज रजूआत करने वाले कि तात्कालिक हमारा रास्ता जात तपास करके खुला करने में आए, बस ऐसे आशा लेके आए। हम जलाराम विस्तार में रहते हैं सर, हमारा अभी जो रास्ता दिया है ना वो रास्ता हमारा बंद कर दिया है ये पटेल लोगों ने। पहले चालू था रास्ता, पर ये 4-5 दिन से हमारा रास्ता बंद कर दिया है। अभी वो रास्ता बंद करने के बाद हमारे को कोई नुकसान हुआ कि कोई बीमार हुए, हमारे कोई एम्बुलेंस लानी हुए कि आग लगी हुए, तो हम कहाँ से लाएंगे। अभी ये सब बेचारे गरीब लोग बेचारे मजूरी करके मेहनत करके घर चलाते हैं। अभी ये लोग बड़े लोग है वो काम करके बड़े लोग पैसे लड़ सकते हैं, हम नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए हमारे को ऐसा हमारे कुछ नहीं चाहिए, खाली हमारे को रास्ता चाहिए, खाली एम्बुलेंस आए इतना हमारे को रास्ता चाहिए, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए उनके पास से। वो पटेल लोग है, नीलकंठ रेस्टोरेंट चलाते, ये बाजू सानेन स्कूल चलाते, आज से 10-15-20 साल पहले उन्होंने रास्ता दिया था, वो भी हमारा रास्ता दबा दिया है। हमारी लाइट फिटिंग उधर है, हमारा नल का कनेक्शन भी उनके कोट में दबा गया है, इसलिए हमारे को रास्ता चाहिए क्या। इसलिए हम साहब के पास हम नम्र विनंती करने आए कि इतनी हमारी मेहरबानी करे हमारे ऊपर। आज रोज जलाराम नगर ना जे रहवासीओ छे ए आवेदन पत्र साथे अत्रे रजूआत करवा आव्या छे कि जलाराम नगर नी अंदर आवा जवा माटे जे रस्तो छे ए रस्तो अन्य कोई बे लोको छे एमना वच्चे थी पसार जे ते समय थतो हतो अने अत्यारे रस्तो जे वीडियो बतावामां आव्यो छे मुजब खोदी नाखवामां आव्यो छे ने अवर जवर बंद थई गई छे, जेना अनुसંધાને જલારામ નગરના રહીશોને તકલીફનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે, એના અનુસંધાને રજૂઆત કરવા આવેલા છે। એ બાબતે સક્ષમ અધિકારી મારફત આપણે સ્થળ તપાસ કરાવીને નિયમ અનુસારની જે કાર્યવાહી કરવાની હશે સરકાર કક્ષાએથી એ અનુસાર જરૂરી સૂચનાઓ આપવામાં આવશે। સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે લોકમત ન્યૂઝને યુટ્યુબ ઉપર સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકોન દબાવો અને અમારી સાથે જોડાયેલ રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર ઉપર।